सांगोस क्षेत्र में लिए चलते हैं, जहां की सड़कें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सड़कों की स्थिति देखकर आप यही कहेंगे कि लगता है इस सड़क को बनाकर सरकार भूल गई है। सांगोद में सड़कों की स्थिति ऐसी है कि कब हादसा हो जाए कोई नहीं कह सकता। आप भी देखिए कोटा की सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर एक खास रिपोर्ट। कोटा के सांगोद में साल बारिश कुछ ज्यादा नहीं हुई, लेकिन सड़कों की स्थिति बाढ़ग्रस्त इलाकों जैसी है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी सांगो से छबड़ा मार्ग की हालत इन दिनों काफी खराब है। बपावर से गौ घाट कवाई तक सड़क जगह जगह से धस गई है। सड़क पर दूर दूर तक डामर का नामो निशान नहीं दिख रहा है। गाड़ियों की आवाजाही के बाद उड़ते धूल के गुबार सड़क की पोल खुलते हैं, बावजूद इसके गाड़ियों से भारी भरकम टोल वसूली की जा रही है। कोटा धरनावाद स्टेट हाईवे 51 के सुदृढ़ीकरण के नाम पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कैथून से वाया सांगोद बपावर होते हुए 12 जिले के छबड़ा तक सड़क की स्वीकृति दी थी। इस मार्ग पर 300 करोड़ रुपए खर्च कर कैथून से कवाई तक डामर और कवाई से छबड़ा तक पावर प्लांट के सहयोग से सीसी सड़क बनाया गया था, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से सड़क फिर से टूट गई। गड्ढे, उखड़ी हुई सड़क, इसके अलावा सड़क पर और कुछ बचाने तो सड़क होने के बावजूद भी आज वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैथून धरनावदा स्टेट हाईवे की मरम्मत कार्य समय पर नहीं होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गड्ढे होने के बाद भी वाहन चालक इस मार्ग पर 3 स्थानों पर टोल चुका रहे हैं। आए दिन इनके कारण दुर्घटना की भी संभावना रहती है। निर्माण के बाद से ही हर साल इस सड़क की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इन दिनों सड़क के हिस्सों की हालत जर्जर हो रही है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं तो कई जगह डामर भी नजर नहीं आ रहा है। वाहन चालकों को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिचकोले खाते हुए गाड़ियों को चलाना पड़ रहा है। धरनावदा छबड़ा रोड, इस पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। 3-3 जगह टोल चुकाया जा रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी वाहन चालकों को परेशानी आ रही है और ये दिन दिन टोल देने के बाद ठग रहे हैं। हालात ये है कि आए दिन सड़क हादसे होते रहे हैं, बावजूद इसके परिवहन विभाग सड़क की मरम्मत करवाने की सुध नहीं ले रहा है। वहीं टोल की वसूली पहले की तरह ही की जा रही है। हेमंत सुमन, जी मीडिया कोटा।